नमस्कार, मैं हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 100 नेशनल। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से एक ऐसे विषय के बारे में जिसका सीधा कनेक्शन हम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं ESI यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस की। जी हाँ, इसको हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा भी कहा जाता है। एक सवाल जो हर किसी के मन में होता है, हालांकि इस सवाल का जवाब कई लोग जानते हैं, फिर भी इससे जुड़े कई सवाल लोगों के जहन में होते हैं। ESIC का मतलब क्या होता है? ESI का पूरा नाम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस है। इसको हिंदी में कर्मचारी राज्य बीमा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय कर्मचारियों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उन्हें चिकित्सा और नगद लाभ प्रदान करती है। कम आय वाले कर्मचारियों पर इलाज के खर्च का बोझ कम रहे और कोई अनहोनी होने की स्थिति में परिवार को मदद हो सके, इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना चलाता है। अब जान लेते हैं कौन है ESI कार्ड को पाने के दावेदार और किन लोगों को मिल सकता है इस योजना का लाभ। कर्मचारी को ESI कार्ड जारी होता है अगर कोई ESI के तहत मिलने वाले मुफ्त इलाज का लाभ लेना चाहता है तो उसे ESI डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना होता है। किसे मिलेगा लाभ? इस योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारी को ESI कार्ड जारी होता है अगर कोई ESI के तहत मिलने वाले मुफ्त इलाज का लाभ लेना चाहता है तो उसे ESI डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना होता है। इसके लिए कर्मचारी ESI कार्ड या फिर कंपनी से लाए गए दस्तावेज के आधार पर स्कीम का फायदा ले सकते हैं। एक व्यक्ति के कितने ही पहचान कार्ड? किसी एक बीमित व्यक्ति को 2 ESI पहचान कार्ड दिए जाएंगे। क्या होती है ई पहचान कार्ड डिलीवरी? आपके ई पहचान कार्ड को ब्रांच ऑफिस में डिलीवरी किया जाएगा। आपको अपना ESIC कार्ड लेने के लिए कार्यालय में जाना होगा। ESIC ई पहचान कार्ड में क्या जानकारी होती है? किसी भी ई पहचान कार्ड में ये जानकारी प्रिंट की जाती है। 10 डिजिटल इंश्योरेंस ID, IP नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फैमिली फोटोग्राफ, 10 डिजिटल इंश्योरेंस नंबर, मैग्नेटिक स्ट्राइप। बिना देर किए आपको बताते हैं कि क्या आपकी नौकरी हो या फिर क्या आपकी सैलरी हो, मैक्सिमम लिमिट क्या हो जिसके आधार पर आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। ESI का लाभ उन कर्मचारियों को उपलब्ध है जिनकी मासिक आय 21,000 रुपए या इससे कम है। ESI लाभ प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए न्यूनतम मजदूरी सीमा 25,000 रुपए महीना है। अक्षम कर्मचारी के कवरेज के लिए मैक्सिमम वेज सीमा नहीं है। ESI स्कीम से जुड़े FAQ के मुताबिक अगर कर्मचारी का वेतन कंट्रीब्यूशन पीरियड शुरू होने के बाद 21,000 रुपए प्रति माह की सीलिंग को क्रॉस कर जाता है तो भी वह कंट्रीब्यूशन पीरियड के खत्म होने तक ESI के दायरे में आने वाला कर्मचारी रहेगा। ऐसे में उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होगा और कुल वेतन पर भुगतान होगा। कौन से नियोक्ता आते हैं दायरे में? ESI स्कीम के संचालन की जिम्मेदारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की है। कर्मचारी राज्य बीमा स्कीम के दायरे में 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले कंपनी और प्रतिष्ठान आते हैं। हालांकि महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में 20 या इससे ज्यादा कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान इस योजना के दायरे में आते हैं। ESI स्कीम के लिए कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन नियोक्ता की तरफ से होता है। इसके लिए कर्मचारी को परिवार के सदस्यों की जानकारी देनी होती है। नॉमिनी भी कर्मचारी को तय करना होता है। ESI स्कीम में योगदान? ESI स्कीम में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से योगदान रहता है। नियोक्ता के अंशदान का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। जिन कर्मचारियों का प्रतिदिन औसत वेतन 137 रुपए है उन्हें इसमें अपना योगदान नहीं देना होता। सवाल तो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर सैलरी में ESI कितना परसेंट कटता है, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। हर महीने उनकी सैलरी का एक हिस्सा कटता है जिसे ESI के मेडिकल बेनिफिट के तौर पर डिपॉजिट किया जाता है। वर्कर्स की सैलरी से हर महीने में 0.75% और नियोक्ता की तरफ से 3.25% प्रति माह ESI किटी में जमा होता है। ई पहचान कार्ड क्या होता है?
ई पहचान कार्ड एक इंश्योरेंस कार्ड है जो कर्मचारियों को ईसीआईसी कार्ड के रूप में दिया जाता है। यह कार्ड ईसीआईसी कार्ड भी होता है। इस कार्ड को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा बनवाया जाता है। ईसीआईसी के बीमा से कर्मचारियों को मेडिकल सहायता मिलती है जिससे वो मृत्यु या बीमारी की स्थिति में मदद पा सके। ऑनलाइन ईएसआईसी कार्ड कैसे देखें? यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपको ईएसआईसी कार्ड ऑनलाइन देखना है। ईएसआईसी कार्ड बना है या नहीं तो ईएसआईसी की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन ईएसआईसी चेक कर सकते हैं। ईएसआईसी कार्ड ऑनलाइन देखने के लिए ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर पासवर्ड बनाएं। साथ ही ईएसआईसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाने पर इंश्योर्ड पर्सन पर क्लिक करें। ईएसआईसी चेक करना बहुत आसान है, आप ऑनलाइन गूगल में जाकर भी चेक कर सकते हैं ईएसआईसी कार्ड बना है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं वह ईएसआईसी का झांसा देकर पैसे तो काट लेती हैं पर सेवा नहीं देती। जब कर्मचारी किसी कारणवश ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाता है तो ईएसआईसी कार्ड इनवैलिड दिखाई देता है और उसका इलाज नहीं हो पाता जिससे समय और पैसा दोनों का नुकसान हो जाता है। इसी फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए ईएसआईसी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ईएसआई कार्ड देखने की सुविधा दी है। जी हाँ, ईएसआईसी ऐप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ नंबर की होती है। यदि आपके पास ईएसआईसी नंबर नहीं है तो अपने एचआर डिपार्टमेंट से संपर्क करें। ई पहचान कार्ड कैसे बनेगा? ई पहचान कार्ड के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। यह फॉर्म आपको किसी भी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ब्रांच में मिल जाएगा। ध्यान दें कि आपके पास आपका कर्मचारी नंबर या ईएसआईसी एम्प्लॉय कोड होना चाहिए, तभी आपका ई पहचान कार्ड बनेगा। कार्ड बनवाने के लिए नजदीकी ईएसआईसी इंश्योरेंस ऑफिस में जाएं, वहां ई पहचान कार्ड फॉर्म मांगे, फॉर्म में अपनी जानकारी भरें और कार्यालय में जमा कर दें। इसके बाद आपके कर्मचारी संख्या और इंश्योरेंस नंबर प्रिंट किया हुआ ईएसआई कार्ड आपको मिल जाएगा। सवाल उठता है कि कैसे इस कार्ड को डाउनलोड करें, तो आपको कुछ नियम पता करने होंगे। यह नियम कार्ड डाउनलोड करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले आप ईएसआईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ईएसआईसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाने पर इंश्योर्ड पर्सन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां पर आपको अपना ईएसआईसी नंबर डालकर साइन अप क्लिक करना है। साइन अप क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां पर अपना इंश्योरेंस नंबर, मोबाइल नंबर और अंत में कैप्चा डालकर फिर साइन पर क्लिक कर दे। उसके बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई मोबाइल नंबर पर डालकर वेरीफाई बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, सेट न्यू पासवर्ड, जहां पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है। एंटर न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड के बॉक्स में पासवर्ड बनाएं और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपका ईएसआईसी पासवर्ड बन जाएगा। बनाए गए नए पासवर्ड से अपना ईएसआईसी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो जिक्र करते हैं ईएसआई स्कीम में आने वाले कर्मचारियों और उन पर निर्भर लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ का। ईएसआई में बीमित व्यक्ति और उस पर आश्रित पारिवारिक सदस्य को बीमा रोजगार में आने के लिए दिन से चिकित्सा लाभ मिलने लगता है। चिकित्सा हित लाभ उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का है। बीमाकृत व्यक्ति और उसके परिजनों के उपचार पर व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जी हाँ, सेवानिवृत्त और स्थायी अपंग बीमाकृत व्यक्तियों और उनके पति पत्नी को 120 रुपए के सांकेतिक वार्षिक प्रीमियम पर चिकित्सा देखरेख प्रदान की जाती है। बीमारी लाभ। बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए एक साल में अधिकतम 91 दिनों के लिए मजदूरी के 70% की दर से नकद भुगतान किया जाता है। मातृत्व लाभ। प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के मामले में 12 सप्ताह तक, गर्भपात के मामले में 26 सप्ताह तक दैनिक वेतन का 100% नकद भुगतान किया जाता है। ईएसआई के तहत मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ लेने के लिए शर्तें हैं कि बीमित महिला की ओर से पूर्ववर्ती वर्ष में 70 दिनों का अंशदान किया गया हो। आश्रितजन लाभ। यदि किसी बीमित व्यक्ति की रोजगार के दौरान मौत हो जाती है तो ईएसआईसी उसके आश्रितों को नियत अनुपात में
मासिक पेंशन का भुगतान करता है। हित लाभ का भुगतान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के अधिकतम 3 महीने के भीतर उसके आश्रित जनों को होना शुरू हो जाता है। नियमित रूप से मासिक आधार पर भुगतान किया जाता है। पेंशन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, बीमित व्यक्ति की पत्नी को पेंशन, दूसरा बीमित के बच्चों को पेंशन और तीसरा बीमित व्यक्ति के माता पिता को पेंशन। आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में कर्मचारी के दैनिक मजदूरी का 90% दिया जाता है। अपंगता हित लाभ। अपंगता हित लाभ अस्थायी अपंगता हित लाभ तब मिलता है जब कर्मचारी रोजगार के दौरान चोट या व्यवसायिक चोट से ग्रसित हो जाता है और काम करने में असमर्थ होता है। यह हित लाभ औसत दैनिक मजदूरी के 90% की दर से तब तक अदा किया जाता है जब तक अपंगता रहती है। इस हित लाभ की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगर कोई कर्मचारी स्थायी रूप से अपंग हो जाता है तो उसे दैनिक मजदूरी के 90% की दर से मासिक आधार पर स्थायी अपंगता हित लाभ मिलता है। दूसरा भुगतान जीवन भर निरंतर मासिक पेंशन के रूप में होता है। बेरोजगारी भत्ता। यदि कोई बीमित व्यक्ति अनैच्छिक हानि या फिर रोजगार से अलग चोट लगने के कारण स्थायी रूप से डिसेबल हो जाता है तो उसे 24 माह की अवधि तक नगद मासिक भत्ता मिलता है। वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ। सेवा पूरी करने के बाद रिटायर हो चुके बीमित व्यक्ति रिटायरमेंट की उम्र से पहले रिटायरमेंट लेने वालों और किसी स्थायी अपंगता के चलते नौकरी छोड़ने वालों को और इन लोगों की पत्नी को 120 रुपए सालाना का वृद्धावस्था चिकित्सा लाभ मिलता है। शारीरिक पुनर्वास। रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण शारीरिक रूप से क्षति होने पर बीमित व्यक्ति जब तक कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है उसे अस्थायी रूप से हित लाभ मिलता है। अंत्येष्टि व्यय। PSIC की ओर से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में उसे अधिकतम 10,000 रुपए का नगद भुगतान किया जाता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? इसी तरीके की कारोबार निवेश जगत की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहे TV100 नेशनल।